हाय हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि डेटा टाइप्स मतलब पाइथन डेटा टाइप्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि डेटा टाइप मतलब होता क्या है। तो डेटा टाइप मतलब कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा। ओके, तो पाइथन में नहीं, सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा के साथ काम करना पड़ता है। एक एक ही टाइप का डेटा तो नहीं रहता हर बार, हर बार हमें अलग अलग डेटा फॉर्मेट के साथ काम करना पड़ता है। कि सपोज करो कि आप एक प्रोजेक्ट बना रहे हो और उस प्रोजेक्ट में आपको जो डेटा फॉर्मेट है वो अलग अलग मिलेगा। मतलब जो यूजर इनपुट दे रहा उस हिसाब से उस इनपुट को समझ के आपको उसी डेटा फॉर्मेट में प्रोसेस करनी पड़ेगी। अगर एक आपको अच्छा एप्लीकेशन बनना है तो आपको डिफरेंट डेटा फॉर्मेट के साथ काम करना पड़ेगा। तो इसके लिए सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप्स होते हैं। ओके, तो ये सिंपली समझ में आ गया कि डेटा टाइप्स मतलब होता क्या है। तो हमने जो पिछली वीडियो में देखा कि वेरिएबल्स होते हैं, वेरिएबल्स क्या करते हैं कि वेरिएबल्स होते हैं जो वेरिएबल्स में हम वैल्यू स्टोर करते हैं। सपोज अभी मैं ये 10, ये हमने पिछली वीडियो में देखा कि इसने 10 स्टोर कर रहा, वी वी नाम का वेरिएबल 10 वैल्यू स्टोर कर। तो ये 10 वैल्यू कौन से डेटा फॉर्मेट की है? तो ये 10 है इंटीजर, हम ऐसा अभी बोल सकते हैं कि 10 है वो इंटीजर, लेकिन इसको स्पेसिफाई कैसे करेंगे? अभी जो बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज उसमें आपने देखा होगा कि उसमें क्या रहता है, ये देखो, उसमें ऐसा स्पेसिफाई करना पड़ता कि int v equals to 10। लेकिन लेकिन इसकी ना पाइथन में कोई भी जरूरत नहीं, क्योंकि पाइथन एक डायनेमिकली टाइप लैंग्वेज, जावा स्ट्रॉन्गली टाइप लैंग्वेज है, वैसे ही पाइथन डायनेमिकली टाइप लैंग्वेज है। तो पाइथन डायनेमिकली टाइप लैंग्वेज होने की वजह से इसमें हमें डेटा टाइप स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं है। जब हम वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हो तब हमें डेटा टाइप स्पेसिफाई करने की कोई भी जरूरत नहीं है, वो पाइथन खुद ब खुद समझ लेता है। जो हम वैल्यू उसको असाइन कर रहे हैं उसकी उसके वजह से वो खुद समझ लेता है कि ये कौन से टाइप का डेटा है। तो इसकी वजह से एक तो क्या होता, हमारा जो टाइम है वो टाइम बचता है और उसके साथ हमें कम कोड लिखना पड़ता है, तो हमारा कोड भी सेव होता है। ओके, तो अभी सबसे पहले देख लेते हैं कि पाइथन में कौन कौन से डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा टाइप्स है। तो पाइथन में देर आर फोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा, फोर प्रिमिटिव डेटा टाइप्स इन पाइथन। ओके, तो उसमें इंट, फ्लोट और बूल और स्ट्रिंग, ये चार प्रिमिटिव डेटा टाइप्स है पाइथन में। तो हम सबसे पहले एक एक देख लेते हैं कि सबसे पहले इंट, इंट इंट मतलब क्या, इसमें कौन से वैल्यूज आएंगे, मतलब ये डेटा फॉर्मेट कौन सा है, कि जो हमारे 1 2 3 4 जो है नॉर्मल वैल्यूज रहते हैं ना, वो मतलब इंट, वो सारी वैल्यूज इंट में आएंगे। उसके बाद फ्लोट, फ्लोट में जो डेसिमल वैल्यूज है ना वो सारी आएंगी फ्लोट में, 1.2, ये जो वैल्यूज है ना ये सारी आएंगी फ्लोट में। इसका फॉन्ट अलग होने की वजह से डिफिकल्ट जाएगा समझ में, लेकिन ये 1.25, 4.56 जो ऐसे जो वैल्यूज रहेंगी ना डेसिमल फॉर्मेट की, वो सारी आएंगी फ्लोट में। और बूल मतलब जो ट्रू और फॉल्स, और ट्रू और फॉल्स मतलब क्या कि हमें ऐसी सिचुएशन आएगी कि हमें दोनों में से एक ही चूज करना है, कौन सा, तो ट्रू या फिर फॉल्स। मतलब एक तो दो रास्ते हैं हमारे पास, एक तो इस रास्ते में जाने का नहीं तो इस रास्ते में जाने का, तो तब हम यूज करते हैं बूल। वो तो प्रोग्राम करेंगे ना तब तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। तो स्ट्रिंग, स्ट्रिंग क्या, तो स्ट्रिंग में कौन कौन सी वैल्यू रहते हैं? ओके, तो स्ट्रिंग में जो हम हमारे जो स्ट्रिंग रहते हैं, मतलब उसमें नाम रह सकता है, कुछ भी कुछ लेबल रह सकता है, तो वो सारे आएंगे हमारे स्ट्रिंग फॉर्मेट में। ओके, तो अभी तो आपको क्लियर हो गई होगी कि चारों में कौन कौन से टाइप्स ऑफ डेटा आएगा, ये चारों डेटा टाइप्स में। तो अभी सीधा पाइथन ओपन करेंगे और एक एक करके सब हम छोटे छोटे प्रोग्राम्स क्रिएट करेंगे, छोटे छोटे ऑपरेशन करके देखेंगे सबके ऊपर। तो सबसे पहले इंट, तो सबसे पहले अभी देखते ए इक्वल्स टू ए। तो अभी ये इंट है, लेकिन इसको हम चेक कैसे करेंगे कि हाँ ये इंट है? उसके लिए ना हमें पाइथन ने प्रोवाइड किया है टाइप नाम का फंक्शन, तो हम उसे यूज करेंगे। तो अभी हम इसमें टाइप फंक्शन में हम पास कर देंगे वेरिएबल हमारा और इसे रन करते देखते आउटपुट क्या आएगा। ओके, इंट, इंट मतलब क्लास इंट, मतलब ये जो हमारा वेरिएबल है वो
इंटीजर जो हमारे वेरिएबल है बिलोंग्स टू इंट क्लास। और एक बात, जो ये पाइथन हमारी प्योरली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ना, तो पाइथन में जो हर हर चीज है ना वो एज अ ऑब्जेक्ट ट्रीट की जाती है। ओके, हर चीज एज अ ऑब्जेक्ट ट्रीट की जाती है पाइथन में। ओके, तो अभी उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं, वी इक्वल्स टू 1.3, इसे चेक कर लेते हैं ये क्या, ये फ्लोट है। इसी तरह सी, ये बुल है, और ये स्ट्रिंग। तो मतलब ये चार अलग अलग वेरिएबल्स में हमने डिफरेंट जो डिफरेंट डेटा टाइप्स है उसमें हमने डिफरेंट डिफरेंट उसके वेरिएबल्स डिक्लेयर किए और वैल्यूज भी असाइन कर दी। तो अभी हम इस पे ऑपरेशंस करेंगे। तो सपोज आपने ऐसा सोचा क्या कि अगर ये इंटीजर है, अभी सपोज ये इंटीजर है, तो हम क्या इसको फ्लोट में कन्वर्ट कर सकते हैं? तो यस, आप उसमें कर सकते हैं। तो उस इधर जो कंसेप्ट, तो उसे कहते हैं टाइप कास्ट। तो वो कैसे करेंगे वो देख लेते हैं हम। सपोज अभी ये प्रिंट फंक्शन, और इसमें हम जो हमारी अभी फ्लोट वैल्यू है उसको हम ये इंट में करना, उसके लिए है इंट फंक्शन। तो हम इंट फंक्शन में जो हमारी फ्लोट वेरिएबल है बी, उसे पास कर देंगे और अभी इसको प्रिंट करेंगे। तो फ्लोट जो वैल्यू है हमारी फिलहाल 1.3 है, तो देखते हैं अभी ये प्रिंट होने के बाद ये क्या वैल्यू आती है। ओके, तो 1, मतलब इसने जो फ्लोट वैल्यू है हमारी उसको इंट में कन्वर्ट किया। तो अभी हम जो हमारा इंट है उसे फ्लोट में कन्वर्ट करके देखते हैं। उसके लिए फ्लोट फंक्शन, फ्लोट फंक्शन में हम इंट पास कर देंगे। ओके, तो देखो इसने इंट को फ्लोट में टाइप कास्ट कर दिया। तो अभी अभी हम ये तो हो गया इंट फ्लोट का, क्या हम जो हमारे बुलियन वैल्यूज है ट्रू और फॉल्स, क्या उसे हम इंट में टाइप कास्ट कर सकते हैं? तो पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या होता है कि जो हमारा ट्रू है वो एज अ 1 ट्रीट किया जाता है, और जो फॉल्स है ना वो एज अ 0 ट्रीट किया जाता है। तो उसे भी हम देख लेते हैं। ओके, 1 ट्रू एज अ 1 और फॉल्स फॉल्स एज अ 0 ट्रीट किया जाता है। तो सिमिलरली अब हम ना जो हमारे इंट है ना उसको भी स्ट्रिंग में टाइप कास्ट कर सकते हैं। तो उसे कैसे करेंगे हम, सिंपली स्ट्रिंग फंक्शन होगा उसके लिए, और में हमें जस्ट इंट हमारा पास करना है। तो इसे प्रिंट करते हैं। ओके, तो यह हमने इंट टाइप कास्ट कर दिया स्ट्रिंग में भी। तो ओके, तो अभी ये तो हो गया, ये तो आपको समझ में आ गया, क्लियर हो गया। तो अभी हम ना जो हमारा स्ट्रिंग है ना उस पर कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। जो हमारा स्ट्रिंग है ना, तो मैं फिलहाल तो इसे रिमूव कर देता हूँ, और जो हमारा अभी स्ट्रिंग है ना हम उस पर फोकस करेंगे पाइथन। ओके, तो अभी हमें ये जो पाइथन स्ट्रिंग है ना उसमें से अगर कुछ स्पेसिफिक ओनली कुछ पर्टिकुलर कैरेक्टर्स ही एक्सेस करने, तो वे वो कैसे करेंगे? तो उसके लिए हम डी सपोज करो ये एज ए ना जो स्ट्रिंग है ना वो एज ए एरे वर्क करेंगे अभी। मतलब तो हमें जो जैसे हम एरे में जो इंडेक्स नंबर है उसके बेसिस पे जैसे एक्सेस कर पाते थे ना, तो हम यहाँ पे भी वैसे कर पाएंगे। ओके, अभी देखते हैं इसका आउट। ओके, पी मतलब इसने पर्टिकुलर जो 0 इंडेक्स पे जो कैरेक्टर है ना उसे प्रिंट किया। तो अभी एक मिनट ना, मैं ऊपर का ये सब कुछ क्लियर कर देता हूँ। अभी सपोज मैंने ये 0 इंडेक्स पे प्रिंट किया, अभी मैं सेकंड पे प्रिंट करूंगा, तो आप गेस कर कीजिए क्या आएगा आंसर। ओके, टी, उसके बाद फिफ्थ, तो ये सिमिलरली। ओके, तो एज ए एरे मतलब ये जो इंडेक्स इंडेक्स नंबर है ना। ओके, मैं आपको ये डायग्राम निकाल के समझाता हूँ। तो अभी ये सपोज करो एक स्ट्रिंग है पाइथन, ये पाइथन एक स्ट्रिंग है। तो इसमें कैसा होगा, जो अभी ये पर्टिकुलर जो पी है ना, सपोज ये इंडेक्सिंग ऐसे होगी 1 2 3 4 5,
तो ये फिर ऐसा वर्क करेगा, मतलब आपको इसे एक्सेस करना है ना, तो आप इस इंडेक्स नंबर के साथ एक्सेस कर सकते हैं। ये जीरो से लेके फिर ऐसा भी हो सकता है और फिर ये ऐसा भी हो सकता है। यहाँ से एन को -1 -2 -3 -4 ऐसा भी ये वर्क करेगा, और ऐसा -3 -2 -1। आप चाहे तो इसे ऐसा एक्सेस कर सकते हैं या फिर ऐसा एक्सेस कर सकते हो। ओके तो हम इसे देख लेते हैं प्रोग्राम में। तो अभी हम जो निगेटिव इंडेक्स नंबरिंग से एक्सेस करके देख लेते हैं -1। तो इसने अभी राइट से लेफ्ट एक्सेस करेंगे हम -1 के साथ, तो इसने जो हमारा लास्ट कैरेक्टर है उसे प्रिंट किया H। ओके लेकिन अगर आप ऐसा, अगर हमें दो कैरेक्टर एक साथ एक्सेस करने, तब कैसे करेंगे? सपोज आपको PY एक्सेस करना है, तो 0 स्टार्टिंग इंडेक्स नंबर और एंड इंडेक्स नंबर की, जिसके बीच में के आपको कैरेक्टर्स प्रिंट करने, तो 0 और 2, तो PY मतलब इसने 0 1 PY प्रिंट कर दिया 2 से पहले की। ओके अगर यहाँ पे मैंने फाइव किया तो इसने जो स्टार्टिंग के 0 1 2 3 4 ये कैरेक्टर्स प्रिंट किए। अगर मैंने यहाँ पे 5 दिया ही नहीं, सिर्फ 0 दिया और बाकी की स्पेस खाली छोड़ दी, तब ये क्या प्रिंट करेगा? तो इसने पूरा प्रिंट किया। मतलब इस केस में क्या होगा, जो स्टार्टिंग है ना, स्टार्टिंग प्रोवाइड किया है ना, तो स्टार्टिंग से लेकर पूरी स्ट्रिंग एंड होने तक ये सब कुछ प्रिंट कर देगा। अगर मैंने उल्टा किया अभी, मतलब ये स्टार्टिंग नहीं दिया एंड दे दिया, तो अभी इसने फोर्थ इंडेक्स तक सारे प्रिंट कर दिए। तो ये पाइथन के साथ ऑपरेशंस हो गए हमारे एक्सेस करने के लिए पर्टिकुलर कैरेक्टर्स। और अगर अभी हमें ऐसा करना है कि हमारे पास और एक जो है, इसके लिए हमें हमारे पास एक ना लेंथ नाम का फंक्शन है, स्ट्रिंग की जो लेंथ है वो फाइंड करने के लिए 6। तो इस फंक्शन को, लेंथ फंक्शन को यूज करके हम जो हमारी स्ट्रिंग है ना, तो उसकी लेंथ फाइंड कर सकते हैं। उसके साथ और एक कि सपोज और एक हमारे पास स्ट्रिंग है। ओके हमारे पास ये अभी दो स्ट्रिंग आ चुकी है, सब पहली तो है पाइथन और दूसरी है माय फेवरेट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो अभी हम इसे ना कॉन्केटिनेट करेंगे, मतलब ये दोनों को ना ऐड करके प्रिंट कर देंगे, तो देखते हैं कि क्या होता है। प्रिंट R+D, ये जो दोनों भी हमारे स्ट्रिंग है ना, उसको हमने ऐड करके प्रिंट किया। ओके तो आउटपुट में आया माय फेवरेट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज पाइथन। तो इसका मतलब इसे बोलते हैं कॉन्केटिनेशन। जो हम स्ट्रिंग को, जब हम दो स्ट्रिंग को ऐड करते हैं ना, तो हम मतलब उस स्ट्रिंग को कॉन्केटिनेट करते हैं। तो हम ये भी कर सकते हैं। आई होप आपको इस वीडियो में ना डेटा टाइप क्या है ये समझ में आ गया होगा और क्लियर हो चुका होगा कि डेटा टाइप मतलब क्या, कौन कौन से प्रिमिटिव डेटा टाइप से पाइथन में इंट फ्लोट बूल स्ट्रिंग, और उसमें जो जो भी हमने ऑपरेशन परफॉर्म किए उसके ऊपर, वो भी आपको समझ में आ गए होंगे। और अगर आपको कोई भी डाउट होगा जो हमने इस वीडियो में देखा, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ओके तो नेक्स्ट वीडियो में हम कीवर्ड्स, इंडेंटेशन एंड कमेंट्स के बारे में, सिंगल लाइन कमेंट और मल्टी लाइन कमेंट के बारे में देखेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।